वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हिबा, वोट वगैरह डाला आपने? जी बिल्कुल। और जिनको डाला वो जीत गए? जी जीत गए। जीत गए और आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। जबरदस्त। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी चेंज से? अच्छी उम्मीद है, इसीलिए वोट डाला है। यूजुअली आई थिंक इस बार बहुत रेयर है कि सब लोग गए हैं वोट देने के लिए। अच्छा, हसो भावे दूसरे बच्चे तुहाडा बस्ता लै जाणा है यार। सरे ने मजा ले रहे ने। वो मजा ले रहे हैं वो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये बड़ी उम्र के लोग क्या कर रहे हैं मेरे सामने। अच्छा, डाना मत रास्ता बोल जाना है। ना जाना मुंडे जल क्यों रहे हैं अब अगर वो छोटे हैं तो? एमपीए माशाल्लाह इतनी उम्र च क्या बात है साहब। वो तुसी इलेक्शन लड़ के जीते हो या लूडो च जीते हो? सुबह आपका वोट कराची से है? जी बिल्कुल। आपने जिस हलके में वोट डाला वहां के डॉक्टर आमिर लियाकत थे? जी नहीं, इमरान खान साहब खुद थे। ओए होए, इमरान खान साहब का डायरेक्ट वोटिंग, ये देखे ना, ये तो वो उन खुशनसीबों में से है जिनको डायरेक्ट वोट डालने का मौका मिला। तो सर वैसे कैसा लगता है, आमिर लियाकत से मुलाकात हुई आपकी? जी अल्लाह ना करे। जी अल्लाह ना करे। क्यों यार ऐसी क्या बात, आपको उनको शो नहीं देखते आप? नहीं, मैं वैसे ही आपसे मजाक कर रहा हूँ जी, माइंड ना कीजिएगा आमिर लियाकत साहब। अच्छा, ये हुण तिकर ते उन्होंने कार भी ले आया होना। इसके ऊपर भी वो एक कराची के अंदर धमकी दे दे कि मैं इस्तीफा देने लगा हूँ अगर ये ना आए साहब वापस। मगर यार आप तो देखते ही नहीं कोई ड्रामे वगैरह। मैंने पूछता कि आपने कोई हिबा का ड्रामा देखा हुआ हो कोई ऐसी, मगर आप अब आइंदा देख लूंगा ना जी। अच्छा, आइंदा देख लूंगा। हिबा को बता दीजिए टाइमिंग कोई आपका, कोई ड्रामा आपका सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा जी, मुझे बता दें ताकि मैं। हाय हाय हाय, ओ जीत के हलका देखी दा ड्रामे नहीं देखी। वैसे खान साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी बहुत बार। आजाद जीतने के बाद वाला बताएं जी। आजाद जीतने के बाद बहुत खुश थे वो, उन्होंने मुझे बल्कि फोन भी किया जिस दिन मैं इलेक्शन जीता। अगले क्या खान साहब ने फोन करके? फोन करके उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी और मुझे यही कहा कि पिछली बातें आप छोड़ें, आप दोबारा पार्टी ज्वाइन करें। अच्छा, उन्होंने कहा आपको? जी बिल्कुल। तो जब मिलने के बाद फिर वहाँ पे शाह साहब तो नहीं था? छोड़े ना आप शाह महमूद कुरैशी साहब को। मैं कैसे छोड़ू, आपने भी छोड़ा उनको। अब मेरे छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है जी? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे उस टाइम, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और इमरान खान साहब थे। अरे वाह, ये तो बड़ा, यानी कि एक और साइड का ग्रुप बैठा हुआ था। जी जी। तो कभी एक्सीडेंटली हुआ है, कभी आपकी गाड़ी निकल रही हो बनीगाला से, शाह साहब कहीं आ रहे हो वॉक करके अंदर, या कुछ ऐसा कोई हुआ इंटरेक्शन आपका? जी मुलाकात तो एक बार हुई, एक दो बार हुई है वहाँ पर दोबारा से। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उस मुलाकात में? शीशा थल्ले करके गया सलमान, रोलते गया पर चास आ गई। Baby, good. How are you? I'm very happy today. Why? You know I need your help. You know, halka 131 by election ho rahe hai. And 131, yes, sir. Yes. Othon main election ladna chahna. But which party do you want to participate from? I love PTI. You know PTI de vaste main bada kam kita hai. Ha. Main gaane ga ke lokan nu apni taraf pehle mail kita hai. Aha. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਮ ਐਨੇ 131 ਮੇਂ ਤੁਮ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਮੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੀ? ਯੈਸ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਯੈਸ, ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ? 1.5 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। मगर वहाँ पे तो और लोग भी होंगे टिकट के लिए। उठे हमायूं नू दे रहे ने, हमायूं सईद नू। हमायूं सईद नहीं, हमायूं अख्तर। हमायूं अख्तर ओदा ते इत्तबार ही कोई नहीं। क्यों? पहले किसी और पार्टी सी, हुण किसी और पार्टी। जीत के भावे किसी और पार्टी चला जावे। तो इब्रारुल हक साहब का भी नाम आ रहा है। इब्रारुल हक ते जदों भी इलेक्शन लड़िया हारे ही है। नील कपूर आदमी जो की आपके काम करा सकते हैं। छोटा बच्चा जान के मुझको ना तड़पाना रे। ये बच्चा नहीं है, ये एमपीए है। दिस गाय? यस। मैं समझा बाजी और उन्होंने स्कूल छोड़ना आए। अरे नहीं यार। सबसे यंगेस्ट एमपीए हैं वो सलमान। आर यू टॉकिंग इट ट्रू? यस, एंड ही इज आल्सो द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। यस जदा दागे है सब जी जान बनेगा नया पाकिस्तान।
ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਇਟ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਹਿਬਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵਾਓ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਆਖੋ ਮੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹੇਗਾ ਹਲਕਾ 131 ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਲੜੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੋਗੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ 5-500 ਦੀ ਸੀਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਚ ਗਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੋਗੇ ਚਲੋ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਐਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਲਤ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹ ਦਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ हिबा आपने एक अवार्ड भी जीता हमने सुना है बेस्ट टीवी एक्टर का तो क्या स्पीच की आपने पहले तैयार की हुई थी स्पीच नहीं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे मिलेगा लेकिन मैं एक्चुअली वो कनाडा के अंदर हुआ था और मैं गई भी नहीं थी आप गई ही नहीं क्यों एक तो वैसे मेरी फैमिली का हमारा उमरे पे जाने का प्लान था एक अच्छा। और दूसरा यहाँ पे इलेक्शन वाला टाइम भी चला था तो दोनों चीजें एक साथ फॉल करी ये तो बड़ा एक ड्यूल किस्म का उन्होंने वो किया कि एक तरफ उमरा भी था और दूसरी तरफ उन्होंने वोट भी देना था तो उन्होंने कहा कि ये अवार्ड तो मैं बाद में भी जीत लूंगी और कनाडा को उन्होंने फारिग करा दिया बीच में से कोई बात नहीं अवार्ड मिल जाएगा ये देखें क्या बात है वाह 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 ये तो बड़े एक क्यों सर डिटरमिंड माइंड वाली बात है बिल्कुल जी है ना आप एतमाद है कि दोबारा भी इंशाल्लाह ये अवार्ड जीत सकती है देखिए ना आप हैं ये सोशल मीडिया पे जी हाँ जी फेसबुक पे मेरा पेज है जी बिल्कुल सलमान नईम के नाम से चलांदा कौन सोशल मीडिया टीम चलाती है जी सोशल मीडिया टीम होती है बेटे वो चलांदी तुसी पीछे बैठे हो कौन लोग यार ये और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हैं सर जी नहीं ट्विटर पे और फेसबुक पे ट्विटर पे और फेसबुक तो यार इंस्टाग्राम पे भी तो आप बनाए आप एक यंग लड़के हैं कोई तस्वीरें वगैरह लगाया करें आप जी ठीक है बुजदार साहब के साथ सेल्फियां हो कोई तरीन साहब के जहाज के कॉकपिट के अंदर से कभी सेल्फी हो आप ये क्यों नहीं कर रहे जी ठीक है जी आप हैं इंस्टाग्राम पे नॉट एग्जैक्टली बिकॉज आई एम नॉट दैट सोशल अगेन तो एक थोड़ा सा कुछ बीच में हुआ था कि किसी ने बना दिया था इंस्टाग्राम पे पेज मैं उसको थोड़ा सा देख लेती हूँ बट अदर देन ये हिबा आजकल तो जो यंग जनरेशन के सारे लोग हैं वो इतने एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे बल्कि एक्टिव होते हैं बाकी जगह पे हो या ना होते हैं नहीं होते तो आप ये क्या कर रही हैं ये तो बड़ा एक मेजर जिसे कहते हैं फ्लॉ आ रहा है आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी लेकिन मुझसे थोड़ा आई डोंट नो मे बी बिकॉज आई थिंक आई शुड होना चाहिए एज अ मीडिया फील्ड लेकिन थोड़ा सा जैसे ये तो बड़ी आपको कहती नहीं है आपके साथ कुलीग सेट के ऊपर बहुत कहते हैं कुलीग्स तो बहुत कहते हैं दे लाइक करो हम शाउट आउट दे देंगे और तुम्हें होना चाहिए इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे होना चाहिए पिक्चर्स अपलोड करो तुम्हारी पिक्चर्स इतनी अच्छी आई है तुम यूं विजिट करके आई हो कर लो बट ये क्या बात है आप काम पे ध्यान दे रही हैं आप ये क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो ध्यान दें आपका हैंडल पे तस्वीरें तो लगी हुई को माया स्टोरी में स्टोरी हो तुसी क्यों अपने ताया बू दी गल क्यों नहीं मान रहे हाँ बिल्कुल सही आप सही कह रहे हैं मैं बड़ा हैरान हुआ ये तो क्यों बस वाकई यार हाँ आजकल तो हर बंदा है बल्कि आजकल सोशल मीडिया स्टार टीवी स्टार ज्यादा बड़े एग्जैक्टली मैंने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग मुझे पीपल एक्चुअली कम अप टू दे लाइक तुम्हें पता है सोशल मीडिया से कास्टिंग हो रही है मैंने कहा रियली अलमिया है कि आप अब तो रेट्स वहां से तय होते हैं कि किसके फॉलोअर्स कितने हैं ये थोड़ी सी अजीब चीज है मुझे ये नहीं आता मैं लेकिन हर बंदे ने बनाया ना हिबा जी जैसे मैं एक लड़का हमारा दोस्त या सिक्स पैक बनाया चिड़ी वर्गा मुंह और वेखो सामने उस बंदे ने बनाया मैं तस्वीर नहीं मिलाने वाली लाया भाई बात नहीं बात सुनो एक तो ये है कि बहुत ही आपने टुंडे किस्म के सिक्स पैक पुट रहे की उसके एक्सप्रेशंस के साथ दूसरी बात ये है कि आप अगर वो बाकी काम करने के बाद अगर अपने सिक्स पैक बना के उसकी तस्वीरें लगा रहा है तो ठीक है मगर उससे पहले जो बाकी खाने टिक किए हुए हैं उन्होंने जिसमें बेहतर अदाकारी बेहतर गायकी
और बाकी तमीज के भी जुमरे बहुत से उन्होंने अपने पास रखे, तो उसके बाद चाहे वो सिक्स पैक की तस्वीरें लगा ले। और वैसे आपस की बात बताऊं, आपको कोई जरूरत नहीं है, चार पांच साल बाद आपका काम ही आपको बचा रहा होगा। ये जितने इंस्टाग्राम वाले हैं इनकी जगह नए लोग आ चुके होंगे। डोंट बी जस्ट अ फेस, बी अ टैलेंट। बहुत आला यार, बड़ा परेशान है यार। क्यों? ईमान से जदों भी मैं परेशान होया ना, हाँ। मैं तुसी याद आंदे। ओ रियली यार, जाग जाग के मैं पागल हो गया। मेरी अखा वेखदा क्या हुआ? सोच गई है मेरी अखा जाग जाग। माशाल्लाह, राणा सनाउल्ला साहब मेरे ख्वाब च आंदे। हाय हाय, मैनू कहंदे ने इस्तीफा दे भाई, असीं नहीं रहे ते तू भी ना रह, साडे नाल ही खजलो। अच्छा, व्हाट शुड आई डू यार, मेरा की कसूर है? वाह वाह, जाग जाके मेरे पूरे पिंड दर्दा निकल आईया। आज फिर मैं सवेरे गया डॉक्टर को। अच्छा, उन्हें क्या टेस्ट करा? हाँ, सारे में टेस्ट कराए। हाँ, ब्लड टेस्ट कराए, दिसंबर टेस्ट कराए, खून टेस्ट कराए। उन्होंने फिर मैंने रिपोर्टा काट के दीतिया। उन्हें क्या डॉक्टर जहांगीर तरीन AUS को जा। है? कौन से है? डॉक्टर जहांगीर तरीन साहब ने PTI वाले। AUS क्या? आजाद उम्मीदवार स्पेशलिस्ट। हूं मैं तुम दसो यार, वो कोई कहना मुल्क तो बाहर ने, कोई कहना मुल्क तो अंदर ने। हाँ। कोई कहना सीएम हाउस बैठे ने। हाँ। कोई कहना भी लोधरा ने। हाँ। मैं कितने जावा, मैं भी तो इंसान, मैं ना सोवा ना क्या करके, तू भी इंसान झूठ नहीं बोली ना यार, यार। मगर नहीं, आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है, आप इनसे पूछ लीजिए, साहब के जानने वाले हो। ओ तुम तो लभ रहे हैं है ना। हाँ, थोड़ा इश्तिहार छपया तलाश गुमशुदा। हर मुल्तान सारिया लोकल अखबारों में इश्तिहार लगा, साड़ा बच्चा गुम हो गया। ये वो नहीं है, ये वो ही ने सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब नहीं है, ये सलमान नईम है। सलमान नईम साहब मुल्तान हल्का कौन सी चौन सी 217 शाह महमूद कुरैशी साहब नु हराया। ये कोई आम आदमी ने 10-10 के दे, मैं प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैं 10 के आए हैं जी। माशाल्लाह, केड़े घर, ससुराल नहीं अपने घर। बहरहाल बड़ी गल है यार, छोटा जा बच्चा। हाँ। ते पूरे लाशा मम्मू साहब नु हरा लिया। हाँ। बड़ी गल यार, मैं तुहानू अवार्ड देना चाहना। केड़ा? फोटो बनवानी मैं। नहीं, तेरे लिए अवार्ड है, उन्होंने सजा है। सजा की मतलब मैं उन्होंने दंदी वाड़ लेनी। बड़े फैन ने ये, नहीं आप इनके। हाँ, ये मेरे आप बड़े फैन ने, आप इनके होंगे। आप इनके होंगे। आप इनके फैन होंगे। आप इनके फैन होंगे भाई। इन्हें मैं थोड़े ड्रामे वेख के पूरे हुए, थोड़े को किए आए मेहमान है यार। नंबर वन अदाकारा ऐसे ले पाकिस्तान है। अच्छा, नाम की है ना? विवाह नहीं, नहीं वो तो मैंने पता। इन्होंने नाम है तफैल चीमा। बेवकूफ, ऐसे ले जड़िया नंबर वन हीरोइन नहीं जा रही, उन्होंने बच्चे के भी ने। मां चलाओ जाबता हयात साहबा। जिस तरह फिल्मों के बच्चे नहीं, वो नंबर वन हीरोइन। इस तरह ही ताहिर साहबा। ताहिर नहीं, कादर। हाँ, कादर साहबा। हाँ, नंबर वन हीरोइन जा रहे। ठीक है, मां चला ते सर इजाजत है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़े को इजाजत लेके मैं उन्होंने बढ़ानी। ठीक है, माइंड ना करना। थैंक यू। ए होंगी जे फोटो देखो ना, MNA MPA। पाकिस्तान कुछ भी हो सकता भाई, ए बच्चा अगर MPA हो सकता, कुछ भी हो सकता।